एलिजाबेथन एज स्टार्ट हुआ था 1558 में और ये ख़त्म हुआ था 1603 में। ये जो पीरियड है एलिजाबेथन एज का, इसको गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है। और जो एलिजाबेथ क्वीन थी उसको कहा जाता है द वर्जिन क्वीन, क्योंकि उन्होंने शादी नहीं की थी। अब एलिजाबेथ जो थी वो कैसे क्वीन बनी? जो हेनरी एट्थ जो इससे पहले जो किंग थे, उन्होंने 6 बार शादी की थी। सबसे पहले शादी उन्होंने कैथरीन से की थी, जिससे उनको एक बेटी हुई थी जिसका नाम था मैरी। मैरी एक कैथोलिक थी। उसके बाद फिर उन्होंने कैथरीन के बाद एने बोलेन से शादी की थी, जिसको फिर उन्हें बेटी हुई एलिजाबेथ। ये एक प्रोटेस्टेंट थी। फिर उन्होंने जेन सैम्यूअर से शादी की, तब उनको एक बेटा हुआ था एडवर्ड। एडवर्ड भी प्रोटेस्टेंट था। तो 1547 में जब हेनरी एट्थ की मृत्यु हो गई तो एडवर्ड जो है वो राजा बन गए, और उस वक्त वो केवल 9 ईयर्स के ही थे, लेकिन वह बहुत ज़्यादा वीक पर्सन था। और 1553 में वह उनकी डेथ हो गई, जब वो 15 ईयर्स के थे तो उनकी डेथ हो गई। अब वो नहीं चाहते थे कि मैरी जो है वो राजा बने, मैरी जो है वो रानी बने, क्योंकि वो एक कैथोलिक थी। इसीलिए उन्होंने अपने डेथ से पहले एक बिल पास किया था जिसका नाम था द डिवाइस फॉर द सक्सेसन, और उन्होंने अपनी जो हाफ सिस्टर्स थी एलिजाबेथ और मैरी, इन दोनों को ही इलिजिटिमेसी के ग्राउंड पर इन्हें एक्सक्लूड कर दिया था, यानी कि इनमें से कोई भी क्वीन नहीं बनेगी। उन्होंने ये अपने डिवाइस फॉर द सेशन में लिखवाया था, उसने बिल में ये इन्होंने लिखवाया था। तो इसीलिए जब उनकी डेथ हुई तो लेडी जेन ग्रे जो कि उसकी कज़न थी वो क्वीन बनी, लेकिन केवल 9 डेज के लिए ही वो क्वीन बन पाई, क्योंकि जो मैरी थी उन्होंने उसको एक्सक्यूटेड करा दिया था। अब जो है 1553 में मैरी बिकेम द क्वीन। वो एक स्टोच कैथोलिक थी और उन्हें प्रोटेस्टेंट से बहुत ज़्यादा नफरत भी थी। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है प्रोटेस्टेंट को जिंदा जलवा दिया, इसीलिए उन्हें ब्लड मैरी भी कहा जाता है। लेकिन वो ज़्यादा दिनों तक राज्य नहीं कर पाई और 1558 में उनकी डेथ हो गई, और अब जाकर क्वीन एलिजाबेथ जो थी वो क्वीन बनी इन 1558। और अब जो है गोल्डन पीरियड ऑफ लिटरेचर स्टार्ट होता है, क्योंकि जो क्वीन एलिजाबेथ थी वो बहुत ही अच्छी रानी थी। सिवा जो प्रोटेस्टेंट, वो एक प्रोटेस्टेंट थी, सो सी सपोर्टेड प्रोटेस्टेंट, उन्होंने प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट किया, लेकिन उन्होंने कभी भी कैथोलिक को परेशान नहीं किया। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों ही उनके राज्य में आराम से रहे थे, किसी को कोई भी प्रॉब्लम उन्हें ने नहीं दी। और जो रेनेसा था वो भी उनकी एज में फ्लॉरिश कर रहा था। रेनेसा जो है हाईएस्ट पीक पर था उनकी एज में। और जो एलिजाबेथन थी वो ट्यूडर डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, और वो ट्यूडर डायनेस्टी की आखिरी जो है वो किंग या क्वीन थी, क्योंकि उसके बाद जो है स्टुअर्ट डायनेस्टी स्टार्ट हो गई थी। और क्या था, उन्होंने एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी भी पास किया था जिसके अकॉर्डिंग ही वो क्वीन बनी थी, क्योंकि वो क्वीन नहीं बन सकती थी बिकॉज सी वॉज एन इलेगिटिमेट चाइल्ड। और उन्होंने जो है एंग्लिकन चर्च भी उन्होंने ओपन किए थे। और जो इस एज की सबसे मेजर इवेंट है, सबसे पहला जो मेजर इवेंट है वो था द डिफीट ऑफ स्पेनिश आर्मडा 1588 में। स्पेन वाज सुपर पावर एट दैट टाइम। जो स्पेन नेशन था, एक वो सुपर पावर नेशन था उस टाइम का। 130 ships केम फ्रॉम स्पेन टू अटैक ऑन इंग्लैंड। स्पेन से जो है 130 ships जो है इंग्लैंड पर अटैक करने के लिए आई थी। और उस वक्त क्या था, जो इंग्लिश की नेवल फोर्स थी वो इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी, लेकिन फिर भी इंग्लिश की जो नेवल फोर्स थी उन्होंने डिफीट कर दिया था स्पेन की नेवल फोर्सेस को। और इंग्लिश रोज इन नेवल पावर आल्सो, उस वक्त जो है इंग्लैंड भी नेवल पावर में उभर कर आया था। ये जो एज थी ये एक्सप्लोरेशंस की एज थी, बिकॉज इंग्लैंड स्टार्टेड द सेटलमेंट ऑफ कॉलोनीज इन एशिया, अफ्रीका एंड अमेरिका। इंग्लैंड ने अपनी कॉलोनी को सेटलमेंट करना स्टार्ट कर दिया था एशिया में भी, अफ्रीका में भी और अमेरिका में भी। एज ऑफ स्टेबिलिटी भी थी, क्योंकि इतने सारे जो पैंडमिक जो पीरियड गया था उसके बाद जो है इंग्लैंड में स्टेबिलिटी इसी पीरियड में जाकर आई थी। लिटरेचर के लिए जो ये एज थी ये बहुत ही गोल्डन एज थी। इट वॉज द गोल्डन एज फॉर लिटरेचर। वैराइटीज़ ऑफ लिटरेचर कुड बी सीन इन दिस एज, क्योंकि इससे पहले केवल पोएम्स ही लिखी जाती थी, लेकिन इस एज में सोनेट, पोएम, ड्रामा सब लिखे जाने लगे थे। एलिजाबेथ हैड इंटरेस्ट इन आर्ट एंड लिटरेचर, सो सी सपोर्टेड इट। एलिजाबेथ का जो इंटरेस्ट था वो आर्ट और लिटरेचर में बहुत ज़्यादा था, इसलिए उसने इन सबको भी सपोर्ट किया। वो खुद भी एक अच्छी डांसर थी, और जो उनकी उनका जो प्लेस पैलेस था उसमें भी जो है ड्रामा प्ले किए जाते थे। और अगर हम बात करें कि इस एज के जो राइटर्स थे, पोइट्स की बात करें, तो उनमें जो इंपॉर्टेंट पोइट्स थे थॉमस एक्वाइल, थॉमस नॉर्टन, एडमंड स्पेंसर, थॉमस व्याट, हेनरी हॉवर्ड, सर फिलिप सिडनी, सैमुअल डैनियल और माइकल रॉयटन। और ड्रामेटिस्ट विलियम शेक्सपियर इज़ ए बिग नेम, इज़ ए ग्रेट नेम ऑफ दिस एज। बेन जॉनसन, थॉमस मिडल्टन, जॉन वेबस्टर, जॉन फोर्ड, थॉमस हेवुड, थॉमस डेकर। और प्रोज की बात करें तो सर फिलिप सिडनी, फ्रांसिस बेकन, रैले, हुकर और विलियम वेब, ये जो थे ये
फेमस राइटर ऑफ दिस एज। अब बात करें अगर सोनेट्स की, क्योंकि इस एज में जो है सोनेट्स लिखे जाने लगे थे, और सर फिलिप सिडनी थे जो इन्होंने एक सोनेट लिखा था एस्ट्रोफल एंड स्टेला 1591 में ये आया था। इसमें जो है एक सोनेट सीक्वेंस था जिसमें कि 108 सोनेट्स थे और 11 सॉन्ग्स थे। ये फर्स्ट एलिजाबेथ सोनेट साइकिल भी इसको कहा जाता है। ये पेट्रार्कन सोनेट था, पेट्रार्कन में लिखा गया था। और जो एस्ट्रोफेला थे इसका मतलब होता है स्टार लवर, और स्टेला मीन्स स्टार, स्टार लवर और स्टार। सैमुअल डेनियल के जो सीक्वेंस था एक सोनेट का, वो था डेलिया 1592 में आया था। माइकल राइटन के सोनेट सीक्वेंस को कहते हैं आइडिया, और विलियम शेक्सपियर ने भी 154 सोनेट्स लिखे थे। एडमंड स्पेंसर जो पोइट्स पोइट कहे जाते हैं, उन्होंने एक सोनेट सीरीज लिखी थी जिसका नाम था एमोरेटी। और एडमंड स्पेंसर ने ही सैफर्ड कैलेंडर भी लिखा था 1579 में, जो कि उन्होंने सर फिलिप सिडनी को डेडिकेट किया था, जिसमें कि 12 इकोलोग्स थे। फेरी क्वीन, फेरी क्वीन जो है एडमंड स्पेंसर की एक फेमस बुक है। ही वॉन्टेड टू ग्लोरीफाई इंग्लैंड लाइक एरिस्टो ऑरलैंडो फ्यूरिशो, जैसे कि एरिस्टो ने ऑरलैंडो फ्यूरिशो में किया था, इसी तरह वो भी जो है इंग्लैंड को ग्लोरीफाई करना चाहते थे। उन्होंने चौसर को जो है अपना आइडियल कंसिडर किया था। और सिक्स बुक इन दिस एपिक, इस एपिक में जो है सिक्स बुक्स थी। हालांकि वो 24 बुक्स लिखना चाहते थे, लेकिन केवल सिक्स बुक ही वो लिख पाए थे। और जो इस बुक का इंट्रोड्यूसर सनेट है वो लिखा गया था सर वाटर रॉले के द्वारा। इसके बाद एस्ट्रोफल, एस्ट्रोफल भी जो है वो एक इम्पोर्टेंट वर्क है। द एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ सर फिलिप सिडनी, ये एक एलिजी है जो कि उन्होंने सर फिलिप सिडनी की डेथ पर लिखी थी। प्रोथेलेमियन और एपिथेलेमियन, ये दोनों एक मैरिज सॉन्ग है जो कि 1596 और 1595 में आए थे। इनको एक नॉन ड्रामेटिक पोइट कहा जाता है क्योंकि इन्होंने कोई भी ड्रामा नहीं लिखा था। बेन जॉनसन ने इनको बोला था ही रिट नो लैंग्वेज और ही डाइड इन वांट ऑफ ब्रेड, ये दोनों बातें जो बेन जॉनसन ने एडमंड स्पेंसर के लिए बोली थी। इसके बाद सर फिलिप सिडनी जो कि एक ग्रेट राइटर थे इस एज के, इन्होंने लिखा था द लेडी ऑफ मे जो कि एक मास्क था। एस्ट्रोफल एंड स्टेला 108 सोनेट थे इसमें और 11 सॉन्ग्स थे, एक सोनेट सीक्वेंस था उनका। द काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक्स आर्केडिया, ये एक प्रोज वर्क था उनका, प्रोज पेस्टोरल रोमांस था ये इनका। एंड एपोलॉजी फॉर पोएट्री, ये एक क्रिटिकल वर्क था, और इसको हम द डिफेंस ऑफ पोएजी भी कहते हैं। इसको, इसका जो दूसरा नाम है वो है द डिफेंस ऑफ पोएजी या एन एपोलॉजी फॉर पोएट्री। और ये उन्होंने रिस्पॉन्स दिया था, ये लिखा था जब उन्होंने, तो ये गोसन ने एक वर्क लिखा था स्कूल ऑफ एब्यूज, इसके रिस्पॉन्स में, इसके अगेंस्ट जो है इन्होंने अपना ये वर्क लिखा था द डिफेंस ऑफ पोएजी या एन एपोलॉजी फॉर पोएट्री। इसके बाद आते हैं जॉर्ज चैपमैन। जॉर्ज चैपमैन ने जो है इलियाड और ओडिसी का ट्रांसलेट किया था, और उन्होंने जो मार्लो का एक वर्क था हीरो एंड लियंडर उसको भी फिनिश किया था। ये मार्लो का जो अनकम्प्लीट एक वर्क था इसको भी इन्होंने फिनिश किया था। विलियम शेक्सपियर जो कि ग्रेट ड्रामेटिस्ट है, इन्होंने 154 सोनेट्स और 37 प्ले लिखे थे। विलियम शेक्सपियर बहुत ही ज़्यादा ग्रेट जो ड्रामेटिस्ट इस एज के थे, तो उन्होंने एक 154 सोनेट्स लिखे थे और 37 प्ले उन्होंने टोटल लिखे थे। उन्होंने कुछ लॉन्ग पोएम्स भी लिखी थी। रिचार्ड हैकलाइट, इन्होंने डिस्कवरी एंड वोएजेस लिखी थी 1589 में, और ये पहला डॉक्यूमेंट ऐसा था उनका जिन्होंने इंग्लिश कोलोनाइजेशन पर लिखा था। इसके बाद रिचर्ड हुकर, जिन्होंने लिखा था लॉ ऑफ एक्लेसिस्टिकल पोएट्री 1594 में ही आया था। और राफेल होलनिषद, राफेल होलनिषद ने लिखा था होलनिषद क्रॉनिकल्स 1577 में आया था। विलियम शेक्सपियर ने बहुत से जो प्ले थे वो इसी के बेस पर उन्होंने लिखे थे, ये जो एक मेन सोर्स था विलियम शेक्सपियर के प्ले का। अब बात करते हैं इस एज के ड्रामा की, तो इस एज में जो है ड्रामा बहुत फेमस हुए थे। जो पब्लिक थी वो ड्रामास देखना पसंद करती थी, और ड्रामा की जो है विलियम शेक्सपियर ने बहुत अच्छे अच्छे ड्रामास इस एज में लिखे थे। जो सबसे पहली इंग्लिश ट्रेजडी और सबसे पहले इंग्लिश कॉमेडी थी वो भी इसी एज में आई थी। जो फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजडी थी वो थी गोरबोडक या द ट्रेजडी ऑफ फोरेक्स एंड पोरेक्स, जो कि 1561 में आई थी और जिसे थॉमस न्यूटन और थॉमस सिक्वेल ने लिखा था। ये फर्स्ट ड्रामा था जो कि ब्लैंक वर्स में लिखा गया था। और जो फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी थी वो भी इसी पीरियड में, इसी एज में आई थी, जिसका नाम था राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर, जो कि निकोलस उड़ाल ने लिखी थी। ये 5 एक्ट्स में लिखी गई थी और ये 1552 के पास लिखी गई थी। थिएटर्स ड्यूरिंग दिस एज, क्योंकि इस एज में जो है ड्रामा स्टार्ट हो गए थे, तो इस एज में जो है कुछ थिएटर्स भी बने जहाँ पर कि ड्रामा प्ले किए जाते थे, जैसे द थिएटर, द कर्टेन 1577 में आया था, द रोज, द स्वान, द ग्लोब थिएटर, ग्लोब थिएटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये 1599 में आया था, द फॉर्च्यून, द रेड लॉयन, द रेड लॉयन आया था 1567 में। ये सब ओपन जो है ओपन थिएटर थे। और जो फर्स्ट इंडोर थिएटर था वो था द ब्लैक फायर्स थिएटर।
इसमें जो है कलर्ड फ्लैग्स भी यूज़ किए जाते थे एडवर्टाइजमेंट के लिए। जैसे अगर कॉमेडी को प्ले करना हो तो वाइट फ्लैग दिखाया जाता था, अगर हिस्ट्री प्ले कोई हिस्ट्री ड्रामा को प्ले करना हो तो रेड फ्लैग, और अगर कोई ट्रेजडी उन्हें प्ले करनी हो तो ब्लैक फ्लैग। यूनिवर्सिटी विट्स भी जो है इस एज में एक इम्पोर्टेंट थे। यूनिवर्सिटी विट्स वो थे जो कि लेट 16th सेंचुरी के प्ले राइट थे, और ये जो है ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी या फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एजुकेटेड थे। इनमें 7 राइटर्स थे, क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नेसे, थॉमस लॉज, थॉमस पील, थॉमस किड, जॉर्ज पील, थॉमस किड और जॉन लिली। इसके बाद बात करते हैं फ्रांसिस बेकन की। फ्रांसिस बेकन ने जो है 58 ऐसे लिखे थे, और उन्होंने प्रायोरिटी दी थी साइंस को रिलीजन के ऊपर। उन्होंने साइंस के ऊपर जो है ऐसे लिखे थे। थॉमस हेवुड को जो है प्रोज शेक्सपियर भी कहा जाता है, जिसे चार्ल्स लैम ने थॉमस हेवुड को बोला था प्रोज शेक्सपियर। उन्होंने 200 से भी ज़्यादा प्लेज लिखे थे, और जो उनका फेमस प्ले था ए वुमन किल्ड विद काइंडनेस, ये एक रिवेंज ट्रेजेडी थी। बेन जॉनसन जो थे कॉन्ट्रोवर्सियल फिगर थे इन इंग्लिश लिटरेचर, ये कॉन्ट्रोवर्सियल फिगर थे। इन्होंने जो है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर को भी पॉपुलराइज किया था, और जो इनके फेमस वर्क है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर और एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर।